सबके लिए कानून में बराबर अधिकार दिया गया है, लेकिन आम आदमी को इसकी जरूरत पड़े तो क्या वाकई कानून उसकी मदद के लिए साथ खड़ा होता है। फिल्म कागज 2 इसी की पड़ताल करती एक संवेदनशील फिल्म है। लाचार पिता सुशील रस्तोगी की भूमिका में दिवंगत सतीश कौशिक अपनी अभिनय क्षमता के बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं। वहीं निडर वकील राज नारायण की भूमिका में अनुपम खेर ने भी उनकी काबिलियत का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राज नारायण का अपना एक अतीत है जिसकी वजह से बेटा उदय उनको पसंद नहीं करता है, लेकिन जब बेटे को पिता की सच्चाई का पता चलता है तो वह अपने पिता का साथ देता है। उदय की भूमिका दर्शन कुमार ने निभाई है। अन्य मुख्य कलाकारों में स्मृति कालरा, मीना गुप्ता, अनंत देसाई, किरण कुमार और करण राजदान हैं। सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म कागज 2 आम इंसान के दर्द को उकेरने के साथ यह राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर चोट करती है। दिवंगत अभिनेता और फिल्म मेकर सतीश कौशिक के अभिनय से सजी यह अंतिम फिल्म है। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये फिल्म 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म कागज 2 की कहानी दो परिवारों की कहानी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे उदय प्रताप सिंह के पिता राज नारायण सिंह उसे बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं। राज नारायण सिंह अपनी पत्नी से भी अलग हो चुका है। उदय प्रताप सिंह को इस बात का मलाल रहता है कि अगर पिता की परवरिश में वह पला बड़ा हुआ होता तो उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और ही होता। ऐसे में वह काम को लेकर फोकस नहीं रह पाता है और वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी छोड़कर घर आ जाता है। उसकी माँ राधिका अपना बुटीक चलाती है। बचपन में उसे और उसकी माँ को छोड़कर जाने के कारण उदय पिता से बेहद नाराज है। उसे पता चलता है कि पिता को ब्लड कैंसर है। इसके बावजूद वह एक लाचार पिता सुशील रस्तोगी का मुकदमा लड़ रहे होते हैं। जब बेटे को पिता की सच्चाई का पता चलता है तो वह अपने पिता का साथ देता है। वहीं दूसरी कहानी एक पिता पुत्री की है। बेटी आर्या रस्तोगी यूपीएससी टॉपर है और आईपीएस अधिकारी बनने वाली है, लेकिन उसके माता पिता के सारे सपने उस वक्त चकनाचूर हो जाते हैं जब प्रशासन की लापरवाही से बेटी की मौत हो जाती है। राजनीतिक रैली के चलते ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण उचित समय पर इलाज न मिल पाने से आर्या रस्तोगी दम तोड़ देती है। सुशील रस्तोगी अपनी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। उदय भी इस मुहिम का हिस्सा बनता है। फिल्म में एक असहाय बाप की पीड़ा उस समय दर्शकों की आंखों में आंसू ले आती है जब भरी अदालत में उन्हें सहानुभूति तो मिलती है, लेकिन उनके इरादों को कानून के घेरे में लाकर उसकी मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं। एक आम आदमी की पीड़ा इस दृश्य में जो उभर कर आती है वह दर्शकों को काफी भावुक कर देती है। कागज पर लिखे नियम तब तक बेअसर हैं जब तक उन्हें अमल में न लाया जाए। ये फिल्म यही संदेश देती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में सुशील रस्तोगी कहते हैं, देश सेवा के नाम पर हमारे नेता लोग ये रैली करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उससे ये देश को सचमुच बदल देंगे, अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों